भाइयों और बहनों, आज आप देख रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया, दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत के साथ खड़े होने के लिए, भारत के साथ आने के लिए आज दुनिया भर में हर कोई नजर आता है, आतुर नजर आता है। आपने जो जनादेश दिया है उससे दुनिया में ये संदेश है, और ये संदेश साफ साफ दिया है कि अब भारत का समाज बंटा हुआ नहीं है, बल्कि एकजुट होकर विकास और विश्वास की नीति के साथ खड़ा है, आगे बढ़ रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आपके इसी विश्वास और उसके साथ जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा का ही परिणाम है कि भारत आज वो फैसले ले रहा है जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं किस फैसले की बात कर रहा हूं आपको पता है? कौन से वाले फैसले की मैं बात कर रहा हूं? कौन सा? देखिए, ये जनता की आवाज देखिए, और जनता तो ईश्वर का रूप होती है। जब ईश्वर का रूप बोल जाता है कि ये फैसला है आर्टिकल 370 का, साथियों ये हरियाणा की, पूरे देश की भावना थी कि जम्मू कश्मीर के अलगाव और हिंसा से निकालकर सद्भाव और सशक्तिकरण की तरफ ले जाया जाए। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास और विश्वास के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है, और इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? किसको जाता है? किसको जाता है? मोदी को नहीं जाता है। ये वल्लभगढ़ के लोग फेल हो गए। इसका श्रेय आप 130 करोड़ देशवासियों को जाता है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को जाता है कि आपने कमल पे बटन दबाया और मुझे ये ताकत मिली है आपके सपने पूरे करने की। आज पूरा देश ये भी देख रहा है कि जिनके हितों पर इस फैसले से चोट हुई है वो सदमे में है, तिल मिलाए हुए हैं। ये लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, विदेशों में जाकर मदद मांग रहे हैं। मैं जरा जिनको नींद नहीं आती है, जिनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को आर्टिकल 370 और 35A से इतना ही लगाव है, इतना ही मोह है,
तो मैं जरा उनको आज आह्वान करता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर इतना ही 370 आपको प्यारा लगता है, हिम्मत के साथ हरियाणा के लोगों के बीच में जाओ और बताओ कि अगर आप चुनाव जीत करके आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे, 35A वापिस लाएंगे, मोदी ने जो किया है उसको उल्टा कर देंगे, लोकसभा के चुनाव आए तब तक मैनिफेस्टो में लिखो कि हम अगर आए तो 370 वापिस लाएंगे। ये है किसी में ताकत ये करने की? तो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि नहीं बहा रहे हैं? ये झूठी बातें बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उनको भी पता है आर्टिकल 370 के जनता जनार्दन का इतना प्यार, इतना उमंग और उत्साह मिला है कि मोदी आर्टिकल 370 और 35A का निर्णय कर पाया है।